नमस्ते, मैं दर्शक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर इन वाटर कूल्ड चिल्लर। जो वाटर कूल्ड चिल्लर आप लेने से उसमें दो हीट एक्सचेंजर, एक क्या है कंडेंसर, दूसरा क्या है एवापोरेटर। मतलब एवापोरेटर तो आप देखने से क्या है, जो उसमें दो चीज अंदर आके बाहर चला जाएगा, मतलब ये क्या है वाटर, दूसरा क्या है रेफ्रिजरेंट। सिंपली हम लोग को जो बोलना चाहिए तो जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी एवापोरेटर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी वाटर एंड एवापोरेटर ना, उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर बोल के कहते हैं। थोड़ा डिटेल में बोलना चाहिए तो अभी जो मान लीजिए एवापोरेटर, एवापोरेटर में तो रेफ्रिजरेंट आएगा फिर आके निकल जाएगा, फिर वाटर आएगा निकल जाएगा। वो कहां से जो वाटर आएगा, जो बिल्डिंग में जो AHO, CSU, फैन का विंडो, जो कुछ यूनिट है उसी में जो बिल्डिंग का लोड, हीट लोड को लेकर के जो पानी, जो गर्म का पानी अंदर आ जाएगा, वो पानी है ना, वो पानी इधर एवापोरेटर का ऑयल का अंदर जाके फिर बाहर निकलने का टाइम में क्या है, जो ठंडी पानी चिल्ड वाटर का तरफ से वो निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट तो एक्सपेंशन वाल्व में जो निकल जाएगा, जो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है ना, वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो अंदर आएगा, अंदर आके वो क्या है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट ना, वो ऐसे जो कंप्रेसर को निकल जाएगा, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जो निकल जाएगा एवापोरेटर से। अभी क्या है जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड वाटर, हम लोग क्या कहते हैं एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, जो लीविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर, मतलब जो बिल्डिंग को जो जाएगा जो वाटर चिल्ड वाटर, उसी का डिफरेंस वो टेम्परेचर वाटर, वो उसी का डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस। फिर क्या है जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को निकल जाता है, वो तो क्या है जो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट निकल जाएगा, निकल जाता है वो जो एवापोरेटर से, वो टेम्परेचर का डिफरेंस, वो टेम्परेचर, वो दोनों का डिफरेंस क्या है जो एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर, ठीक है। जनरली जो एवापोरेटर टेम्परेचर वो 0 to 2 degrees Celsius में जो रहना चाहिए, उसका ऊपर जाएगा तो उसका मतलब क्या है, आप लोग को क्लीनिंग करना चाहिए बोल के वो एक चीज आप लोग को जो वो आप इंडिकेट कर देता है। मतलब ये तो क्लोज लूप सिस्टम, इसलिए वो बार बार तो कॉइल को क्लीन करने के लिए, नहीं तो शट डाउन करने के लिए जो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों बोलने से कंडेंसर को जो आप लोग को देखने से वो क्लोज लूप सिस्टम वो बार बार जो चोक हो जाएगा, मतलब कॉइल तो क्लीन करना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग को ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम ATCS जो रहने से उसी में रखेज भी वो उसमें जो डिस्क क्लीन कर सकता है, ठीक है ना। सो एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटिंग टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस क्या है एवापोरेटर अप्रोच टेम्परेचर 0 to 2 degrees से अंदर रहना है, ठीक है। जो इसी ऐसा जो कंडेंसर अप्रोच टेम्परेचर भी जो आत्म लोग को जो इंटरव्यू में ज्यादा पूछेगा, वो कंडेंसर अप्रोच टेम्परेचर के बारे में जो पहले जो वीडियो डाल चुका है, वो वीडियो का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया है, जाके देख लीजिए। आपको इसका छोड़ के दूसरा कुछ चीज वाटर कूल्ड चिल्लर के बारे में जो मालूम होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी को हम लोग एड्रेस करने के लिए हम लोग कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।